नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को, यानी 26 अप्रैल 1986 में चेर्नोबिल में परमाणु हादसा हुआ। उस समय चेर्नोबिल जो अब यूक्रेन में है, जो ये चेर्नोबिल है शहर है, ये अब यूक्रेन में है, ये पहले सोवियत रूस में लगता था, यानी सोवियत रूस का ये पार्ट था। ये क्वेश्चन UPTT के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। इससे रिलेटेड कुछ और भी दिवस देख लेते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। और 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। और भी दिवस हैं, इसके पहले की वीडियोज में हमने डिस्कस किया हुआ है। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस भी 26 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रथम विमान सेवा कब शुरू हुई? तो यह शुरू हुई है 26 अप्रैल 1929 को। तो बात करते हैं भारत की, तो भारत के वर्तमान के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, जो हैं 14th नंबर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हैं 15th नंबर के। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी हैं, जो हैं 13th नंबर के। और इसकी राजधानी है भारत की दिल्ली। मुद्रा यहाँ की है भारतीय रुपया। राष्ट्रीय खेल है भारत का हॉकी। और वर्तमान में यहाँ पर राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 9। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की, तो राजधानी है इसकी लंदन। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। इंग्लैंड की मुद्रा का नाम है पाउंड स्टर्लिंग, वहाँ पे चलती है। और हाल ही में विजडन क्रिकेट का खिताब वहाँ के इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स उनको दिया गया है। और जबकि महिला में ये खिताब मिला हुआ है एलिस पैरी को, जो ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम क्रिकेट की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। भारत में लॉकडाउन के चलते 26 अप्रैल को होने वाली किस यात्रा को रद्द कर दिया गया है? तो यात्रा रद्द की गई है केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा को, क्योंकि ये COVID-19 के कारण जितनी भी यात्राएं या जो भी दिवस होने थे, मैक्सिमम दिवस ये यात्राओं को रद्द कर दिया गया है इस बीमारी से बचने के लिए, जिससे ये ज़्यादा फैलने ना पाए। तो इसको जब रद्द किया गया है, लेकिन इसमें 4 पुजारियों सहित 15 लोग इसमें शामिल होंगे। जो यात्रा है वहाँ पर जो पूजा होगी उसमें 4 पुजारी सहित और 15 अन्य लोग शामिल होंगे। इसी के साथ में एक यात्रा और रद्द की गई है, जो है त्रिलोचन दर्शन यात्रा। ये पड़ता है उत्तराखंड में, UK यानी उत्तराखंड में। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्या। नेशनल पार्क यहाँ का बहुत पूछा जाता है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। ये बनाया गया 1936 में। फूलों की घाटी के लिए भी उत्तराखंड प्रसिद्ध है। एक नेशनल पार्क और है, राजा जी नेशनल पार्क, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए गए राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा को IIMA ने, यानी अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ ने, 2 साल के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनको 2 साल के नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक हैं। ये प्रेजेंट टाइम में किसके कार्यकारी निदेशक हैं? बजाज ऑटो के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
हाल ही में केंद्र सरकार के बाद किस राज्य ने अपने कर्मियों के डीए एवं डीआर पर 1.5 वर्ष तक के लिए रोक लगा दी है? तो ये रोक लगाई गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। इसके पहले किसके द्वारा लगाई गई थी? ये केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों पर ये रोक लगाई थी, अब लगाई है उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के बाद किस राज्य ने सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू और पान मसाला की बिक्री पर रोक लगा दी है? ये रोक लगाई गई झारखंड सरकार के द्वारा। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी है रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, और प्रज्ञान ऐप अभी जो लॉन्च किया गया है वो झारखंड ने ही कोविड-19 से रिलेटेड इसमें फैक्ट जोड़े हैं। ये प्रज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया? झारखंड राज्य ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में आरबीआई ने अपने ग्राहकों को कौन सी नई सुविधा देने की घोषणा की है? तो ये सुविधा देने की घोषणा की गई है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की। तो आरबीआई की बात कर लेते हैं, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ हुई थी? ये कोलकाता में हुई थी स्थापना। वर्तमान में इसका मुख्यालय है मुंबई और अध्यक्ष हैं इसके शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हाल ही में WHO को किस देश ने 3 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है चीन ने। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी, ये WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, 1948 को। हेडक्वार्टर इसका है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड हैं टेड्रस इसके हेड हैं टेड्रस एडहानॉन। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा इनका नाम चेंज है, तो इंग्लिश या हिंदी में जो लिखा होगा वहां से आप समझ सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं। और अभी विश्व चगास दिवस जो 14 अप्रैल को पहली बार मनाया गया, ये भी WHO के द्वारा मनाया गया है। और इसी में फैक्ट जान लेते हैं चीन के। चीन की राजधानी है बीजिंग। यहाँ की मुद्रा है रेन मिनबी। संसद को बोलते हैं चीन में पीपुल्स कांग्रेस। राष्ट्रपति हैं यहाँ के सिन जिनपिंग। भारत और चीन के बीच में जो एक बॉर्डर है जिसको सीमा रेखा बोलते हैं, उसको बोला जाता है मैकमोहन रेखा। और भारत और चीन के बीच एक एक्सरसाइज 2019 में हुई थी, उसका नाम है हैंड इन हैंड। और चीन में ही कोरोना वायरस कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ चीन के वुहान शहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री है YS जगमोहन रेड्डी। गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंदन। भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। दो प्रमुख नदियां यहाँ पे हैं, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। भारत का धान का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत की पहली प्लाज्मा डोनर महिला कौन बनी? तो ये महिला है स्मृति ठक्कर। इनका नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 11। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नेपाल किस नंबर पर रहा? अगर ये पूछ लिया जाए तब आंसर होगा 112वें स्थान पर नेपाल रहा, जबकि अपना भारत देश 142वें स्थान पर रहा है। भारत किस स्थान पर रहा है? 142वें स्थान पर। भारत की इसके पहले रैंकिंग थी 140। इसको 2 अंकों का नुकसान हुआ है। और अगर पहले स्थान की बात की जाए, तो पहले स्थान पर लगातार 4 वर्षों से नॉर्वे देश है, और दूसरे स्थान पे फिनलैंड देश है, तीसरे स्थान पे डेनमार्क है, और 180 देश होते हैं, इसमें से सबसे लास्ट पे है उत्तर कोरिया, यानी नॉर्थ कोरिया इसमें सबसे लास्ट में है, 180वें स्थान पे है नॉर्थ कोरिया। और ये नेपाल देश एक ऐसा देश है जो कभी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ है। नेपाल की राजधानी हो काठमांडू।
यहाँ के प्रधानमंत्री हैं खड़क प्रसाद शर्मा ओली। यहाँ मुद्रा चलती है नेपाली रुपया। और राष्ट्रपति हैं यहाँ के विद्या देवी भंडारी। और नेपाल में हिमालय पर्वत स्थित है जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। और सार्क का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है? नेपाल के काठमांडू शहर में स्थित है। ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में जो अति महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।